आप देख रहे हैं आवाज इंडिया न्यूज़ यूपी, हर सच आपके सब। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया न्यूज़ यूपी। मुलायम सिंह के अंत्येष्टि में केंद्रीय मंत्री चबूतरे से नीचे गिरी, हाथ में हुआ फ्रैक्चर। नेताजी के अंत्येष्टि कार्यक्रम में सेफई में भारी भीड़ के चलते कई नेता धक्कामुक्की के शिकार हो गए। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति भी धक्कामुक्की में चबूतरे से नीचे गिर गई। इस हादसे में उनके बाएं हाथ की कोहनी में फ्रैक्चर हो गया। चबूतरे से जगदम्बिका पाल समेत कई नेता गिर गए। साध्वी निरंजन ज्योति कानपुर देहात के मूसा नगर आश्रम में रात्रि विश्राम करने बाद इलाज के लिए दिल्ली एम्स के लिए हुई रवाना। साध्वी निरंजन ज्योति केंद्रीय मंत्री ने बताया, नेताजी को श्रद्धांजलि देने सेफई गई थी। नेताजी के अंतिम दर्शन के लिए अंत्येष्टि स्थल पर इंतजार कर रही थी। अंतिम यात्रा रथ जैसे ही सामने आया तो अचानक चबूतरे पर भीड़ चढ़ने लगी। साध्वी निरंजन ज्योति ने रिपोर्टर को बताया, इस दौरान भीड़ अनियंत्रित हो गई और जिसके बाद कोहनी के बल पर नीचे जा गिरी। मेरे पीछे खड़े जगदम्बिका पाल व अन्य नेता भी मेरे ऊपर गिर गए, जिसके बाद मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने भीड़ नियंत्रित कर लिया। जब वह उठी तो कोहनी में तेज दर्द हो रहा था, जिसके बाद जिला अस्पताल में ले जाया गया और एक्सरे में फ्रैक्चर होने की पुष्टि होने पर कच्चा प्लास्टर चढ़ाया गया। आज इलाज के लिए दिल्ली एम्स के लिए रवाना हो गई हैं, जहां इलाज किया जाएगा।